भ्रष्टाचार का भी स्कोप नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने के लिए इन नेताओं को तंग क्या करता है कि मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा घर, मैं जाऊं तो भी इनके इनके जो घर हैं, इनके घर को भर, ये परिवार की जो तंग करने वाली मशीनरी है कि इनके घर को भर, ये वो काम करता रहता है। भाई नरेंद्र मोदी को बढ़िया शंका हो सकती है क्या? कोई शंका हो सकती है? ना नरेंद्र मोदी पर हो सकती है और ना योगी पर हो सकती है, ना योगी पर हो सकती है, हो सकती क्या? और भाई यही हाल मनोहर लाल, यही हाल मनोहर लाल, हमको किसी रिश्तेदार के घर नहीं भरने, हमने अपने घर नहीं भरने, हमने करोड़पति नहीं बनना, हमने साधारण जनता उसकी सेवा करनी है। साधारण जनता के लिए हम लोगों ने ईमानदारी से एक पारदर्शी तरीके से सरकारें चलाई है। आपने हरियाणा में देखा है, हरियाणा के अंदर जैसे अभी बता रहे थे कि आम आदमी की रोजगार कैसे उसको मिले, एक मेरिट के व्यक्ति को कैसे नौकरी मिले, हमने पर्ची खर्ची सब सिस्टम बंद कर दिए, पर्ची खर्ची के सिस्टम बंद कर दिए और नौकरी उसको दी जो पढ़ लिख करके मेरिट में आया है, जो पढ़ लिख करके मेरिट में आया है। वो एक गरीब का बेटा है, एक नाई का बेटा, खाते का बेटा, लोहार का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, किसी का भी बेटा, जिसका कोई नाम लेवा सिफारशी नहीं है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि जाकर के नौकरी खरीद लाए। सालों साल से कई परिवार इंतजार कर रहे थे, हमारे घर में कोई नौकरी लगे नहीं, और अब जिस तरह हमारे ग्रुप डी की नौकरियां, उसका रिजल्ट निकला, एक लोहार की ढोकड़ी का पहिया चलाने वाला वो बालक, उसके हाथ में एक पर्चा मिला कि तू पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग गया, खुशी खुशी आकर के ज्वाइन कर गया, खुशी खुशी। तो किस प्रकार से एक ईमानदारी का शासन हमने दिया है मित्रों। और मैं दूसरी बात भी कहता हूं, ये नेता क्लेम करते हैं हमने इतनी नौकरियां दी, हमने इतनी नौकरियां दी, हमने इतनी नौकरियां दी, मैं कहता हूं भाई हम नौकरी देने वाले कोई नहीं, हमने नौकरियां दी नहीं, ये नौकरियां तो जिसकी मेरिट है, जिसकी योग्यता है, उसने नौकरी ली है, ये श्रेय उसको जाता है, ये नौकरी लेने वाले को श्रेय जाता है, हम कौन होते हैं नौकरी देने वाले। हमने एक सिस्टम बनाया है, जो सिस्टम टूटे पड़े थे, जो बिल्कुल जर्जर हुए पड़े थे, उन सिस्टम को बना करके हर आदमी को उसके घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जगह जगह शहरों के अंदर ई दिशा केंद्र खोल दिए, अंत्योदय केंद्र खोले, सरल केंद्र खोले, गांव में ग्राम सचिवालय खुल गए, हर गांव में कंप्यूटर लेके आदमी बैठा है कि आप अपने जोर ताके बताइए और बता करके हमसे अपनी सहायता को लेकर के जाइए, घर बैठे उसको सहायता मिलती है। मित्रों इसलिए हमने जो व्यवस्था के परिवर्तन किए हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन में से और ये सब चीजें आगे बढ़ रही है, और इस नाते से हम इस देश की सेवा, देश की सेवा यानी देश की जनता की सेवा इसलिए करते हैं, ये जनता मेरा परिवार है। हमको लोग कहते हैं आपको क्या पता आपका परिवार नहीं, मैं कहता हूं मेरा परिवार है। मेरा परिवार क्या है? ये 2.5 करोड़ जनता हरियाणा की जो 90 विधानसभा बैठी है, ये मेरा परिवार है। ये सब सदस्य मेरे लिए माताएं, बहने, भाई, ताऊ, चाचा, सब यही है मेरे लिए। आखिर इस परिवार की सेवा करने का हमने जो एक सेवा का व्रत लिया है, वो पहले दिन से हम कर रहे हैं, यही हमारा अनुभव है, यही हमारा काम है, लगातार करेंगे।